الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعريفين رب الكائنات کے لیے جس نے اس کا خانِ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، یہ بات بار بار کہی گئی بتائی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معیار حق ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو معیار حق بنایا کس نے؟ ہمارے لیے صحابہ کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل یہ ہمارے لیے حجت ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کس نے قرار دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، تو صحابہ کو معیار بنایا کس نے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی آج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خود رب کائنات نے یہ قرآن کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ معیار حق ہیں. آج اگر کوئی صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا تو در حقیقت وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے فرمان کو جھٹلاتا ہے. صرف دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ऐसे ईमान लाओ जैसे ये ईमान लाए, जैसा ईमान इन लोगों का है ऐसा ईमान लेकर आओ, तो कभी इतना तो तब तुम हदायत पाओगे, तब तुम सीधे रास्ते पे होगे, तब तुम्हारा ईमान कबूल किया जाएगा, तब तुम कह सकते हो कि हाँ हम ईमान लेकर आए हैं। लेकिन उसके लिए मायार क्या है, मायार ये लोग हैं जैसे ये लोग ईमान लेकर आए, तो उस वक्त कौन ईमान लाया था, उस वक्त मोमिन कौन था, कलमा किन लोगों ने पढ़ा था जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं आमनु बिमिथ्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ही थे जिनके बारे में खुद रब्बे कायनात ये कह रहे हैं आमनु बिमिथ्लि मा आमनतुम, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, तुम अपने ईमान का मायार बढ़ाना चाहते हो, तुम उसको मिसाली बनाना चाहते हो और ये तुम दावा करना चाहते हो कि हम मोमिन हैं, तो फिर ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ईमान लेकर आए। तो सहाबा को मायार किसने बनाया, सहाबा को मायार बनाने वाले खुद रब्बे कायनात हैं, वो कह रहे हैं कि हम सहाबा को मायार बना रहे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि सहाबा मायारे हम नहीं हैं तो उसने तो कुरानी आयत की इनकार कर दी, और सिर्फ यहां तक नहीं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइला क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाता है ईमान लेकर आओ और कैसा ईमान चाहिए अल्लाह को, कमा आमन अन्नास जैसे लोग ईमान लेकर आए हैं, जैसा इन लोगों का ईमान है ऐसा ईमान लेकर आओ, ये कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि जैसा ईमान इनका है ऐसा ईमान हमें मतलूब है। वो ईमान वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थे, ये उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि कमा आमन नास ऐसा ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लेकर आए हैं। और जब अल्लाह ने सहाबा को मायार बनाया तो सिर्फ आज की बात नहीं, उस वक्त भी लोगों ने इतराज किया था, उस वक्त भी लोगों ने सहाबा को नहीं माना था, और फिर उन सहाबा के दिफा में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान में आए। सहाबा का दिफा करना ये ईमान का जुज है, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान में आके सहाबा का दिफा करते हैं। उन लोगों ने क्या कहा जो उस वक्त सहाबा को नहीं मानते थे, जो उनको मायारे हक नहीं तस्लीम करते थे, उस वक्त लोगों ने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ऐसे ईमान लेकर आए जैसे बेवकूफ लोग ईमान लेकर आए हैं। सहाबा के बारे में कहा क्या ये बेवकूफ लोग ऐसे ईमान लेकर आए हैं, हमें भी ये कहा जा रहा है कि तुम भी ऐसे ईमान लेकर आओ। तो अल्लाह ने सहाबा का दिफा किया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, और उन्हीं की जुबान में किया कि ये सहाबा को बेवकूफ कह रहे हैं, मैं खुद रब्बे कायनात कहता हूं ये सहाबा बेवकूफ नहीं, ये बेवकूफ है। मुफस्सिरीन ने दो नुक्ता यहां लिखा है कि जिस तर्ज पर सहाबा को इन्होंने कहा कि ऐसे हैं, अल्लाह ने उन्हीं की जुबान में उनको जवाब दिया। कुरान का उसलूब समझे, कुरान कह रहा है इन्होंने कहा अला अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कुरान खुद उनकी बात नकल कर रहा है कि इन्होंने ये बात कही थी, तो कहा नहीं ऐसा नहीं है अला इन्नहुम सुफहा, बल्कि बेवकूफ तो ये लोग हैं, उन्होंने सहाबा को कहा अल्लाह ने इनको कहा। तो आज भी उस वक्त भी जब लोगों ने सहाबा को सहाबा की गुस्ताखी की, सहाबा को नीचे दिखाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने मैदान में आकर उन्हीं की जुबान में उनको जवाब दिया, और ये दस्तूर और कानून बन गया कि जब कोई सहाबा की गुस्ताखी करेगा तो उसको उसकी जुबान में जवाब देना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका है, ये कुरान का दर्स है। आज अगर हम ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो ये कुरान क्या कह रहा है, क्या जवाब देंगे, कुरान क्या कह रहा है, कुरान ने क्यों को बेवकूफ कहा जिन्होंने सहाबा के बारे में गुस्ताखी की।
तो सहाबा की जो इंसान गुस्ताखी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसी की जबान में जवाब देते हैं और ये तरीका कयामत तक के लिए कायम कर दिया कि अगर कोई सहाबा की तकफीर करेगा, अगर कोई सहाबा के ऊपर जुबान दराजी करेगा तो उसको उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, सहाबा सारे के सारे मायारे हक हैं। हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर एक अदना से अदना सहाबी जो सबसे आखिर में ईमान लाए, और अदना सहाबा के अंदर बात कर रहा हूं, उनमें से जो अदना है सबके सब जन्नती हैं, सबके सब मोमिन हैं, सबके सब मुखलिस थे, सबके सब दयानतदार थे, सबके सब अमानतदार थे, सबके सब वफादार थे। और यह सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है, उलमा ने इसको लिखा है कि अंबिया सारे के सारे मासूम होते हैं। ये मसला समझ लें, अंबिया जितने भी हैं सारे के सारे अंबिया मासूम होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह को उनके करीब आने ही नहीं देता। कोई गुनाह हो और वो अंबिया के करीब आ जाए नहीं हो सकता। अल्लाह ने अंबिया को महफूज रखा हुआ इन चीजों से। और इसी के साथ साथ जितने भी सहाबा हैं सारे के सारे सहाबा मग़फ़ूर हैं। अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके नामा आमाल में गुनाह को रहने नहीं देता, सबके सब मग़फ़ूर हैं। अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमाई है, सबके साथ जन्नत का वादा किया है। आज हमें सहाबा से मोहब्बत इस वजह से भी नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि दीन हम तक पहुंचा कैसे, सहाबा की क्या कुर्बानियां थी, कैसे उन्होंने अपना लहू देकर इस दीन को हम तक पहुंचाने में किरदार अदा किया। आज अगर दीन हमारे तक पहुंचा है तो यकीन कर लीजिए कि सहाबा की कुर्बानियों की वजह से पहुंचा है। दीन का हर जुज अगर महफूज होकर हम तक पहुंचा है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान अगर महफूज होकर हम तक पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का किरदार है। वैसे अल्लाह ने मायारे हक नहीं करार दे रहा, उनके अंदर कोई बात तो थी कि जिस बुनियाद पर अल्लाह कह रहे कि ये मायारे हक हैं, हमें ऐसा ईमान मतलब है जैसे सहाबा ईमान लेकर आए हैं। और अगर तुम ऐसा ईमान लेकर आओगे जैसा सहाबा लेकर आए तो फिर तुम हदायत के ऊपर होगे, फिर तुम सीधी रास्ते, फिर तुम सीधे रास्ते के ऊपर होगे। हज़रत आमिर बिन मुहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अज़ीम शान सहाबी हैं, क़ारी कुरान हैं। अब आप अंदाजा लगाएं इनकी अजमत का कि खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा को कुरान सुनाते हैं, जुबान नबूवत से सहाबा कुरान सुनते हैं, लेकिन हज़रत आमिर बिन बुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं कि आप कुरान सुनाएं, मुझे जी चाहता है कि मैं आपकी तिलावत सुनाऊं। आप अलैहिस्सलाम को कितनी मोहब्बत होगी उनसे कि जिनसे आप कह रहे हैं कि आप मुझे कुरान सुनाएं, मैं आपसे कुरान सुनना चाहता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक काफिला आता है, एक ग्रोह आता है जो उस वक्त भी कुरान का दुश्मन और सहाबा का दुश्मन था। ये आज की बात नहीं है कि सहाबा के दुश्मन आज कोई पैदा हुए हैं, कोई आज उनके साथ दुश्मनी करने वाले पैदा हो गए, ये उस वक्त से चला आ रहा है। और आकर साजिश की और कहने लगा कि आप हमें कुरान के कारी सहाबा दें, हम अपने खानदान वालों के पास लेकर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें कुरान सिखाएं, हम अपने कबीले वालों के पास लेकर जाना चाहते हैं कि उन्हें कुरान सिखाएं। आप अलैहिस्सलाम को तो मालूम नहीं है कि ये तो सहाबा के दुश्मन है, असल में ये तो कुरान के दुश्मन है, असल में रूप धार के आए हैं। उस वक्त भी ये तकिया किया करते थे जो आज करते हैं, उस वक्त भी करते थे। और अगर कहने लगे हमें सहाबा चाहिए जो कारी कुरान हो,
हम उनसे कुरान सीखना चाहते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा की एक जमात को भेजा उनके साथ, और उन बदबख्तों ने रास्ते में उन्हीं का मुहासरा किया, उन्हीं को शहीद करना शुरू कर दिया। हज़रत आमिर बिन मुहीना रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि उलमा फरमाते हैं कि उनको किसी ने खंजर मारा, जब खंजर मारा तो खंजर आर पार हो गया, पेट में खंजर लगा और गिर गए, और गिर के कहने लगे फुस्को रब्बुल काबा, रब्बे काबा के तकद्दस की कसम में तो कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और खंजर जब निकाला और गिर के शहीद हो गए। और सिर्फ यहां तक फिर नहीं हुआ, ये दुश्मनी इतनी ज्यादा थी, ये सहाबा के साथ कीना और बुग्ज इतना ज्यादा था कि उन्होंने ऐलान किया कि आमिर बिन बुहैरा की गर्दन उतारो, इसका दिमाग खाली करो, इसके अंदर हम शराब भर के शराब पियेंगे, इसी दिमाग से कुरान पढ़ा करता था और हमारे लोगों को गुमराह किया करता था। हम लोग ये काफिर और सहाबा के दुश्मन भागे उनकी तरफ, और ये वाकया फिर एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाते हैं, कहते हैं हमारे साथ कोई हो गया, एक कोई साहब बच गए, कहा हमारे साथ कोई हो गया, आपके यारों को आपके प्यारों को तो उन्होंने मार दिया। और हजरत आमिर बिन मुहीना रजी अल्लाह तआला के बारे में कहने लगे कि इनका सर कलम करो और उस सर अलग करो, इस सर के अंदर हम शराब पियेंगे, किससे कुरान पढ़ा करते थे, हमारे लोगों को कुरान सुनाया करते थे। तो सहाबी फरमाते हैं कि हमने देखा कि जब उनकी लाश की तरफ बढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो लाश ऊपर उठना शुरू हो गई, और इतना ऊपर उठी कि हमारी निगाहें जवाब दे। तो अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके कफन दफन का इंतजाम और उनकी लाश की हिफाजत अल्लाह ने खुद कर दी। ये सहाबा से इन्होंने अपनी जान पे खेल के दीनी अहकामात और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को हमारे तक पहुँचाया। आज यही वजह कि सहाबा से मोहब्बत नहीं, उनकी उनकी तालीमात को पढ़ा ही नहीं, उनकी सीरत को पढ़ा ही नहीं, क्या क्या कुर्बानियां दी। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर वाकया है, क्या सहाबा ने क्या सहाबियात ने, शादी की पहली रात में ऐलान हो गया इनफिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में, निकलो जिहाद की तरफ, कान में आवाज पड़ दी गई तो उठ खड़े हो, फिर ऐलान हुआ इनफिरू फी सबीलिल्लाह, अब गुस्ल को भी भूल गए और निकल गए अल्लाह के रास्ते में कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, और हंजला कोताही करे और सुस्ती करे ये हंजला से बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम पांचों वक्त की अजान सुन के टस से मस नहीं होते, बाजार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, घरों के अंदर गपशप चल रही है, टीवी लगे हुए हैं, गाने चल रहे हैं, पहले तो फिर कुछ ज्यादा वो एहतराम होता था कि टीवी बंद कर दो, गाना बंद कर दो, टेप रिकॉर्डर बंद कर दो, बातें खत्म कर दो, अब तो ये भी चला गया। जितना इस्लामी तालीमात से दूरी होती जा रही है, जितना सहाबा से दूरी होती जा रही है, इतना दिन के अंदर कमजोरी आती चली जाती है। हजरत हंजला को गुस्ल भी भूल गया कि अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, पैगाम आ गया इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कि निकलो अल्लाह के रास्ते में। बीबी ने आवाज दी, कहा नहीं मैं नहीं रुक सकता, काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकता, जो बात करनी है वहीं से कर दो। वो भी फिर हजरत हंजला की बीवी थी, कहने लगी मैं रोक नहीं हुई, मैं डर नहीं गई, मुझे खौफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जिस शौक से मैदान में जा रहे हो फिर पीठ ना दिखाना, फिर वापस ना आना, कूद पड़ना अल्लाह की राह में, अपनी जान की बाजी लगा देना, ये पहली रात की दुल्हन कह रही है। हम भी बीवियों वाले हैं, हम भी सोचे क्या होते हैं हमारे साथ। और फिर किसी ने पूछा कि ये तुमने क्या किया, क्या तुम खुश नहीं थे इसके साथ शादी पे, क्या तुम्हारी बनी नहीं,
ये क्या कह दिया कि चले जाओ कूद पड़ना, लड़ जाना, मर मिटना? कहा नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जब कल कयामत के दिन लोगों को बुलाया जाएगा कि भी फुला बिन फुला और उसके तारुफ के साथ उसको बुलाया जाएगा, मुझे भी रब्बे कायनात इस अंदाज से बुलाए कि कहे कहाँ है वो पहली रात की शहीद की बेवा, वो भी आ जाए। इस हवा ने कुर्बानियां दी थी, अपनी इज्जतें लुटाई थी, अपनी बीवियों को बेवा किया था, बच्चों को यतीम किया था, ये दिन हम तक पहुंचा था। आज उन्हीं सहाबा के बारे में जब कोई बदबख्त जुबान नाराजी करता है तो हमें कहा जाता है तहम्मुल का मुजाहिरा करें, बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, सब्र का मुजाहिरा करें। वो सहाबा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की अजमत अपनी जगह, उनका मकाम अपनी जगह, उनका मर्तबा अपनी जगह, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर बैठकर सवारी की, उनका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। और वो नबूवत जिसने खुद सिद्दीक के कंधे पे सवारी की, उस सिद्दीक का क्या हाल होगा? और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 3 दिन तक ना बीवी साथ है, ना बच्चे साथ हैं, ना कोई और सहाबी साथ है, सिर्फ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं, उनके बारे में कोई बात करे। खुदा के लिए सिद्दीक अकबर के सहाबा की जिंदगियां पढ़े, क्या कुर्बानियां की हैं। कल सहाबा हमसे पूछेंगे नहीं, हमने तो अपनी बीवियां बेवा करवा दी थी, हमने अपने बच्चे यतीम करवा दिए थे, हमने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था, कल हमारे नाम पे गालियां दी जा रही थी, हमारे बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, बताओ तुम्हारी मानी गैरत कहां पे थी? बताइए, आप भी बताइए, ये सवाल मेरे से भी होगा, आपसे भी होगा, ये बताओ ईमानी गैरत कहां पे तुम्हारी? कल क्या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पूछेंगे जिनके लिए मैंने हाथ उठा के दुआएं की थी कि या अल्लाह ये थोड़े से हैं, तू इनको बचा ले, अगर ये आज तबाही से सिमट जाते तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, किसके बारे में? ये अल्लाह के नबी किसके बारे में हाथ उठा के रो रहे हैं? ये आंसू किसके लिए बह रहे हैं? किसके लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से आहुज़ारी कर रहे हैं कि तू इनको बचा ले? कौन है? ये वही सहाबा हैं जिनकी मेहनत से, जिनकी कुर्बानी से और जिनकी जिनके खून बहाने से दीन हम तक पहुंचा है। ये दीन ऐसे नहीं पहुंच गया हम तक, हमें तो अपनी माओ की गोद में से दीन मिल गया, हमें उसकी कदर ही कोई नहीं है। और खुदा के लिए जिनने कुर्बानियां दी हैं उनकी कदर कर रहे हैं। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, हमारे सारे रिश्ते बाद में हैं, हमारे सारे ताल्लुकात बाद में हैं, हमारी सारी भलाइयाँ और पड़ोसियाँ और सब कुछ खानदान बाद में है, सबसे पहले सहाबा है जिनको खुद मायार हक अल्लाह ने करार दिया है, जिनको मायार अल्लाह करार दे रहे हैं। अल्लाह ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही अल्लाह सहाबा के बारे में कह रहे हैं, आमनू बिमिस्ली कमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और खुद अल्लाह उनके दिफा के अंदर आ जाता है, जब बात सहाबा पे आती है अल्लाह खुद दिफा के लिए आ जाता है। अला इन्नहुम सुफहा, सहाबा बेवकूफ नहीं, ये बेवकूफ है। तो इस सहाबा के साथ दुश्मनी आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात चली आ रही है, अल्लाह ने खुद दिफा किया था, ये कुरान का उसलूब है, कुरानी तालीमात है कि सहाबा का दिफा करना है और ईमान का जुज है सहाबा का दिफा करना। अगर ईमान का जुज ना होता अल्लाह कभी सहाबा का दिफा ना करते, और कुरान की आयत, कुरान की आयत कभी नाजिल ना होती सहाबा के दिफा में। तो जहां कहीं भी सहाबा के दिफा की बात आए, अपना तन मन धन कुर्बान कर दे, खुदा की कसम अल्लाह आखिरत में भी चमकाएगा, दुनिया में भी चमकाएगा। सुनते हो ना, सुनते हो।